हे दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सफा ट्रेड। आप देख सकते हो मेरे अकाउंट का बैलेंस है ओनली 500। ठीक है, तो इससे मैं अकाउंट ग्रो करने की कोशिश करूंगा, जितना भी हमको प्रॉफिट होगा लाइव विड्रॉल लेके दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को यंत तक बने रहिएगा। इस मैं इधर देखिए मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सिंपल अकाउंट है मेरा। देखिए मेरे तो अकाउंट है एक दो से तीन अकाउंट है सबसे पहले तो। ठीक है, जब भी मेरे को सिंपल अकाउंट से ट्रेडिंग करना होता तो मैं इस वाले अकाउंट को यूज़ करता हूँ। ओनली मेरे अकाउंट का बैलेंस है 500, तो उससे मैं आज ट्रेडिंग करने वाला हूँ। इधर से मैं अप डायरेक्शन में सिग्नल्स मिला है मेरे को, इधर से मैं अप डायरेक्शन में एंट्री लिया हूँ। ठीक है गाइस, तो क्यों लिया हूँ इसका रीज़न देखिए, जो बैक वाली देखिए रेड कैंडल्स क्रिएट हुए ना इधर से मार्केट के, अगर आपको ऐसे कैंडल्स नज़र आ गए तो देखिए 5 to 10 मिनट की ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, कन्फर्मेशन के साथ देखिए मेरे को कन्फर्मेशन मिला, ये कैंडल कन्फर्मेशन दे दिया मेरे को। ठीक है, इधर से फ्रैक्टल चूज बैंड का नीचे वाला सपोर्ट लेके मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है। ठीक है, 1 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में रख चुका हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात, इस एप्लीकेशन में इंडिकेटर अवेलेबल हो चुका है फ्रैक्टल चूज बैंड। ठीक है, इसके अंदर एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो। देखिए कोई भी इसके अंदर सेटिंग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करके ट्रेडिंग करना है। आपको पहले वाली वीडियो अगर देखी नहीं तो देख सकते हो, नीचे वाला सपोर्ट लाइन की तरह काम करता है और ऊपर वाला लाइन है रेजिस्टेंस की लाइन तरह काम करता है। ठीक है गाइस, तो देखिए इधर से मैं 500 की ट्रेड ओपन किया हूँ अप डायरेक्शन में, क्योंकि जो 5 मिनट्स की कैंडल्स क्रिएट हुए ना, तो इधर से इस बेसिक पे लिया हूँ मैं अप डायरेक्शन में एंट्री। इसका रिजल्ट आने में काफ़ी मिनट्स बाकी है, तो मैं इधर से वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ, तो वीडियो को यहाँ तक बनी रही गाइस। ठीक है, तो गाइस लास्ट के कुछ सेकंड बाकी है, 40 सेकंड्स। देखिए मैं इधर से अमाउंट पहले ही सेलेक्ट कर चुका हूँ 930 का, क्योंकि देखिए मैं इधर कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। अगर मेरे को जो ट्रेड में लगा है, मतलब ये तो हमको सक्सेसफुली विन हो चुका है, कितना डीप विनिंग में जा रहा है देख लीजिए गाइस। ठीक है, अगर देखिए ऐसे शॉर्ट शॉट आपको अपना लॉस रिकवरी करना है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में शामिल कर लूँगा। उधर से अपना लॉस आप रिकवरी कर सकते हो। देखिए बैक टू बैक तो विन नहीं हो सकता, कभी कभी मार्केट की वजह से, मार्केट फुल वोलेटाइल रहता है ना, तो कभी कभी एक दो कैंडल एरर दे सकता है, एक दो कैंडल मतलब लॉस हो सकते हैं। आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेडिंग करना है। ठीक है गाइस, तो देखिए 3 to 1 ये हमारा 500 का ट्रेड ईजिली विन हो चुका है। तो हम असेट को चेंज कर देते हैं, CHF JPY में हम करेंसी पेयर सेलेक्ट कर चुका हूं मैं। तो गाइस इसके अंदर हमको सेल मतलब डाउन डायरेक्शन का सिग्नल्स मिल रहा है, क्यों देखिए सबसे पहले देखते हैं हम इसका। चलिए इधर से हम टाइम सेट कर दें सबसे पहले, तो 14:35 का मैं टाइम सेट करता हूं। इधर से मैं डाउन डायरेक्शन में एंट्री ले लिया हूं। तो गाइस देखिए जो बैक वाले रेड कैंडल्स क्रिएट हुए इधर से, ठीक है, जैसे उधर से ऊपर वाले लाइन को टच कर रहा है मार्केट, बार बार रेड कैंडल क्रिएट कर रहा है, तो इधर स्ट्रांग सेलर एक्टिव है। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए इस इंडिकेटर का यूज़ करने का तरीका ये है कि देखिए ऊपर वाला लाइन होगा रेजिस्टेंस लाइन, नीचे वाला सपोर्ट लाइन, तो उस बेसिस पे लिया मैं डाउन डायरेक्शन में एंट्री, क्योंकि बैक वाले कैंडल्स भी हमको इंडिकेट दे रहे हैं, क्यों उधर से बार बार रिजेक्शन ले लेके डाउन डायरेक्शन में आ रहा है मार्केट। अगर ये मेरी को ट्रेड अगर विन होती है तो मैं इधर से विड्रॉल लेके दिखाऊंगा और कितना टाइम लगता है आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए विड्रॉल। ठीक है, अगर ये विन होता है तो, अगर लॉस होता है तो यहीं पे हम ट्रेडिंग को स्टॉप कर देंगे। देखिए मैं 2 स्टेप अटैम्प है मेरा, सेकेंड स्टेप है। ठीक है, अगर ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुली विन होता है तो मैं आपको लाइव विड्रॉल लेके भी दिखाऊंगा और कितना टाइम हुआ, मतलब विड्रॉल आने में कितना टाइम लगता है ये भी दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए मैं पेशेंस के साथ आपको ट्रेडिंग करना है सबसे पहली बात। काफ़ी लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई गलती नहीं करना है, आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना है आपको। अगर मूड ऑफ रहने के बावजूद भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो को यहाँ तक बने रहिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। मैं आपके लिए मोबाइल स्ट्रेटजीज की वीडियोस ला रहा हूँ, तो वीडियो को यहाँ तक बने रहिए। ठीक है, तो इस मतलब ये
ट्रेड की क्लोजिंग में काफ़ी समय बाकी है, तो वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस लास्ट के कुछ सेकंड बाकी है, 32 सेकंड बाकी है इस ट्रेडिंग के क्लोज होने में। देखिए मैं जैसे ही प्रेडिक्ट किया उधर से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ गया है, रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। ऐसे स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन पे एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, आपकी कभी लॉस नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना डीप विनिंग में जा रहा है और 50 सेकेंड बाकी है। तो देखिए अगर हम ये तो 100% विन हो जाएगा, जैसे ही विन होता है तो आपको लाइव विड्रॉल लेके दिखाऊंगा मैं 1700 का, ठीक है। देखिए 5 to 1700 को हमको विड्रॉल लेना है। देखिए ओनली हमको कितना लगा, ओनली 10 मिनट हुआ है हमको ट्रेडिंग करते हुए। एक्चुअली गाइस मैंने इसमें 1000 डिपॉजिट किया था, सबसे पहले मेरे को 500 का लॉस हो गया था, ठीक है। तो उस लॉस को मैं रिकवरी कर चुका हूँ। तो हम जाते हैं सबसे पहले विड्रॉल लेने की कोशिश करेंगे, इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उस क्लिक करने के बाद देखिए बैलेंस के, एक सेकेंड, आपको इस बैलेंस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी हिस्ट्री आ चुकी है। ये देखिए हम 23 अगस्त को मैंने 8000 का डिपॉजिट किया था, ठीक है। डिपॉजिट करके कुछ समय बाद मैंने प्रॉफिट लेके 13395 का विड्रॉल लिया था, ठीक है गाइस। तो देखिए मैं 24 अगस्त को भी 1000 का डिपॉजिट किया था, मेरे को 500 का लॉस हो गया था, ठीक है। इधर से मैं 2 स्टेप कंपाउंडिंग करके अपना लॉस रिकवरी कर चुका हूँ। तो देखिए हम विड्रॉल पर क्लिक करें तो आप कुछ इस तरीके से रिलोड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेटिंग करना है। चलिए हम आ चुके हैं अपने विड्रॉल, मतलब विड्रॉल वाले सेशन पे। तो इधर से मैं अमाउंट डाल देता हूँ, हमारा कितना प्रॉफिट है 1703 का शायद रहेगा, एक सेकेंड, 1703 नहीं है, हम एक काम करते हैं 1700 कर देते हैं। आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर जाना। देखिए IMPS बैंक ट्रांसफ़र पे आपको मतलब विड्रॉल लेना है, काफ़ी जल्दी विड्रॉल आ जाएगा आपका, ठीक है। उस मेथड को यूज़ करना है आपको, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कितना समय लगता है हमको विड्रॉल आने के लिए। ये देखिए हमारी विड्रॉल मतलब थोड़ा सा प्रोसेस में है, अभी तो कट नहीं हुआ है। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमारे बैंक अकाउंट में आने के लिए। तो मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए अभी टाइम हुआ है 2:37, ठीक है। तो गाइस हमारा विड्रो सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, हमारा अकाउंट भी, अकाउंट से बैलेंस कट भी हुआ है गाइस, ठीक है। तो देखिए कितना टाइम हुआ है आपको दिखाता हूँ मैं, 2:42 हुआ है ओनली, देखिए 6 मिनट हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे अकाउंट में आ चुका है विड्रॉवल 1700 का। देखिए लाइव, देखिए विड्रॉल में कोई इशू नहीं है, आपको 100% विड्रॉल देता है ये एप्लीकेशन। आपको सही तरीके से अपना डिटेल फुलफिल करना होगा, ठीक है गाइस। इस वीडियो में बस इतना था आपको बताना था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर मेरे सिग्नल्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बस आपको एक प्रोसेस कंप्लीट हो करना होगा, ओल्ड अकाउंट ब्लॉक करके मेरे लिंक, तो आपको अकाउंट क्रिएट करके अपनी ट्रेडर आईडी एंड डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करना होगा। मैं 24 आवर्स के अंदर आपको VIP ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।